आधा पादा किसने पादा, ये तो आपने बचपन में खेला होगा, लेकिन आधा पादा किसने पादा आपने इस खेल में एक बात में इस बात को इंग्लिश में बोलना है, तो इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसे आप बोल सकते हैं फाट, फाट, यस फाट, किसी ने गैस छोड़ दी, समबडी हैज पास द गैस, ये चल जाता, लेकिन पास द गैस बड़ा बचकाना वर्ड होता है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर वर्ड है वो है फाट, तो बोल सकते हो समबडी हैज फार्टेड, लगता है किसी ने गैस छोड़ दी है, समबडी हैज फार्टेड हियर। उसी स्वेड में आप चाहो तो दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो ब्रेक द विंड, ब्रेक द विंड, हाँ किसी ने हवा तोड़ दी, मतलब हवा छोड़ दी और हवा को बड़ा गंदा कर दिया, समबडी हैज ब्रोकन विंड हियर। बड़ा मूड खराब हो गया, अब लोग बड़ी भांति भांति करते हैं, अलग अलग से बदबू आती है, अब डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, छोड़ो। तो अब इसमें क्या है, फार्ट और ब्रेक द विंड, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। फार्ट मतलब ऑडियोबल, जिसमें ऑडियो होता है, मतलब साउंड होता है ढंग से, आप उसे पहचान सकते हो, ही हैज फार्टेड, पर्टिकुलर पर्सन हैज फार्टेड, अरे पूरी रात भर से सुना ही दिया है, ही हैड बीन फार्टिंग ऑल नाइट, पूरे दिन बस जंग चल रही है। वही म्यूट होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं सुन चुपचाप से दे देते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेक द विंड, ब्रेक द विंड, इसे आप पहचान नहीं सकते हो कि कौन कर गया, अपने आपस में होता है, अबे तू है तू, तू है तू, ऐसे बोल देता है। तो समबडी हैज ब्रोकन द विंड हियर, इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक द विंड प्लीज गो आउटसाइड, इसे आप बना सकते हैं। इंग्लिश सीखने की विश, जो रहते इंग्लिश।